we are starting the second question of exercise 7.8. Evaluate the definite integral as a limit of sum. हमें limit of sum के formula के according से करना है. And we know that the limit of sum को हम किस तरह से define कर सकते हैं. Limit of sum define किया जाता है I from a to b f x with respect to x equal to limit s tends to zero h f a plus f a plus h plus f a plus 2h plus f a plus 3h and so on and finally f a plus n minus 1h. This is define. हमने यहाँ define कर लिया है कि कैसे limit of sum को हम define करते हैं. Now मैं अब इसका use करूँगा अपने इस सम में. ठीक है, अरे आपको यहाँ पे देख रहा होगा कि यहाँ पे क्या क्या है. a इक्वल टू आपके पास जीरो है, एक तो ये बात आपने ध्यान रखनी है. ओके, आपके पास b इक्वल टू कितना है जी, यहाँ पे 5 है. और nh कितना होता है, nh होता है b माइनस a, यानी कि 5 माइनस जीरो इक्वल टू 5. ये आपके पास nh है. ओके, अब हम इसको जो है अपने उसमें एप्लीकेबल करते हैं. तो हमारे पास ऑप्शन आ गया है लिमिट एस टेंस टू जीरो h. देखिए ब्रदर, आप f a, a यानी कि जीरो, f जीरो है ये a, क्योंकि आपका जीरो है ना, f जीरो प्लस h, f जीरो प्लस 2h, और जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी आप जीरो को यहाँ पे मान के रखिए. और f जीरो को आपने पुट करना है यहाँ पर. देखिए मैं आपको पहले यहाँ पे साइड में अलग से पुट करके दिखा देता हूँ. f a यानी कि f जीरो आप यहाँ पे पुट करिए, यहाँ पर आप x के प्लेस में जीरो रखिए, तो आपके पास कितना आ गया, जीरो प्लस वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन. तो एफ ए तो आपका वन आ गया. एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ जीरो प्लस एच इक्वल टू, आप यहां पे जीरो प्लस एच रखिए x के प्लेस में, जीरो प्लस एच प्लस वन, आपके पास h प्लस वन आ गया. तो आपने यहां पे लिख लिया है h प्लस वन. अब एफ ए प्लस टू एच यानी कि f जीरो प्लस टू एच मीन्स जीरो प्लस टू एच यहां पर रखिए x के प्लेस में, तो आपने यहां रखा जीरो प्लस टू एच प्लस वन, आपके पास आ गया है टू एच प्लस वन. इसी तरह से फाइनली आप जब करते रहेंगे तो ये सारी वैल्यूज आपकी निकल जाएंगी. तो हमने यहां पे रख लिया है जी टू एच प्लस वन, फिर हमने रखा थ्री एच प्लस वन, और फाइनली हमारे पास यहां पर आ गया है n माइनस वन एच प्लस वन. ये बात आई समझ में? ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं. ओके, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वन को काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास कितने वन है. अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास है एक वन ये रहा, एक ये रहा जी, एक यहां पर है, एक यहां है, पता नहीं कितने सारे हैं, एक लास्ट में भी है. तो हम इन सबको जो है मान लेंगे कि एन है, वन मल्टीप्लाई एन. वन कितने मिले आपको, एन मिले. ठीक है, अब आपके पास क्या बचता है, एच टू एच थ्री एच फोर एच एन माइनस वन एच. तो आप इन सब में से एच को कॉमन ले लीजिए. ओके, अब आपके पास अंदर क्या रह जाएगा, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस, और ऐसे करते करते लास्ट में एन माइनस वन, ये ऑप्शन आपके पास बचेगा. तो आपके पास हो गया जी लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एच, और यहां पर एन प्लस एच. ये फॉर्मूला ध्यान है ना, ये सम का होता है, तो कैसे रहता है ये एन एंड एन प्लस वन बाय टू. आपका यहां पर एन कौन है, एन है आपका एन माइनस वन, तो जी एन माइनस वन प्लस वन कैंसिल अपॉन टू, आपके यहां पर आ गया एन माइनस वन एन बाय टू, ये वाला ऑप्शन आ गया. ठीक है, अब आप इसको सोल्व करिए. एच को पहले अंदर ले जाइए, लिमिट एस टेंस टू जीरो, तो आपके पास एच को यहां ले गए, एन एच हो गया. अब ध्यान से समझना थोड़ा सा, ये वाला एच तो ये लीजिए, मैं यहां ले गया दोनों में, तो ये हो गया आपके पास एन एच माइनस एच, और ये वाला, ये जो सेकंड वाला है ये यहां आ गया एन एच. बात समझ में आई? अब ये वाला ऑप्शन हमारे पास हो गया, हम क्या करेंगे, अब एन एच, एन एच कितना होता है जी, यहां पे आप देख लीजिए एन एच हमारे पास फाइव है, तो लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, और यहां पर हमने फाइव लिख दिया, प्लस यहां पर फाइव माइनस एच, और यहां पर फाइव है बाई टू,
ये ऑप्शन हमारे पास आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसमें लिमिट को एप्लीकेबल कर देना है। जब हम लिमिट एप्लीकेबल करेंगे इधर, तो ये रह जाएगा सिर्फ 5 प्लस 5 माइनस 0 5 बाई 2। इट मीन्स 5 प्लस 25 बाई 2 टेकिंग एलसीएम एंड 2 10 प्लस 25 दैट इज 35 बाई 2। That's the required answer. Hope you enjoyed this video. Please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.